हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नी एंड हर मॉमी में। आज भी मैं आपके साथ हमेशा की तरह यूजफुल हैक शेयर करने वाली हूँ, जो आपके घर और किचन के काम को आसान करेगी और साथ ही साथ आपका पैसा भी बचाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी लोग ऐसे स्क्रबर का यूज बर्तन वॉश करने के लिए करते हैं, बट आज मैं आपके साथ बर्तन वॉश करने की एक अनोखी हैक शेयर करने वाली हूँ, एक अनोखी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्क्रबर को किसी भी चाकू की हेल्प से ऐसे 3-4 कट लगा देने हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रबर पे 3-4 कट लगा लिए हैं और ये अच्छे से कट हो गया है। अब हमें लगने वाली कोई भी स्टिक, यहाँ पे मेरे पास पुराना स्ट्रॉ पड़ा था तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। आप कोई भी वुडन स्टिक या किसी भी स्टिक का यूज़ कर सकते हो। हमें इसे स्क्रबर के बीच में डालना है और रबर बैंड की हेल्प से इसे अच्छे से बैंड कर लेना है, टाई कर लेना है। अब हम इसका यूज़ किसी भी, जैसे ग्लास के जार होते हैं, जैसे अचार की जो जार होती है उसे साफ़ करना बड़ा दिक्कत काम होता है, क्योंकि अंदर तक हम उसे अच्छे से वॉश नहीं कर पाते। तो इसकी हेल्प से हम इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर पाएंगे। हमें सबसे पहले कोई भी लिक्विड डिश वॉश सोप इसमें डाल देना है और उसके बाद अगर आप कोई भी डिप वाली जार हो, कोई ग्लास हो, इससे वॉश करोगे तो ये बहुत ही इजीली साफ़ हो जाएगा। नॉर्मली हमारा हाथ अंदर तक नहीं जा पाता है, लेकिन इस ट्रिक से आपके जो डिप वाले बर्तन होते हैं जिसमें आप अंदर हाथ डाल के उसे साफ़ नहीं कर सकते, जैसे आप पानी पीने की बोतल भी इस तरीके से साफ़ कर सकते हो, इससे ना हमारे बर्तन बहुत ईजीली साफ़ भी हो जाते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। देखो मेरा ये जार बहुत अच्छे से साफ हो गया है। इसके अलावा इसके ऊपर जो स्टिकर है वो भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी बर्तन में पानी गर्म कर लेना है और वो पानी कुछ मिनटों के लिए अगर आप इस जार में डाल कर रखोगे और उसके बाद स्टिकर निकालोगे तो ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा हैक पसंद आया हो, तो इस हैक को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट हैक क्या है। झाड़ू तो हम सभी के घर में यूज़ होती है और हम इसका यूज़ घर को क्लीन करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हमारी ये झाड़ू पुरानी हो जाती है या ख़राब हो जाती है तो हम इसे फेंक देते हैं। तो इसी का एक बढ़िया यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको जो पुरानी झाड़ू है, ख़राब झाड़ू है, उसे इस तरह से खोल लेना है और खोलने के बाद इसमें से कुछ ऐसी स्टिक्स निकलेंगी और ऐसे स्टिक को हमें कुछ छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टिक को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिया है। अब मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी। हमारे घर में ऐसे टीन के कंटेनर होते ही है जिसमें हम कई बार स्वीट्स खरीद के लाते हैं, नहीं तो सेरेलैक के डिब्बे होते हैं जिन्हें हम यूज़ होने के बाद फेंक देते हैं। तो इस पे हमें क्या करना है, ये सारी स्टिक चिपका देनी है और चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, बट इस पर मैंने ब्लैक कलर से अच्छे से पेंट कर दिया है और उसके बाद हल्का सा गोल्डन कलर भी इस पर पेंट कर दिया है और ये बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसका यूज़ एज अ प्लांटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें स्पून्स या आपके कॉम्ब्स रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया होगा। मेरा नेक्स्ट हैक ऐसी लेदर के पर्स के बारे में है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि ये पर्स यूज़ करने के कुछ दिनों बाद डल हो जाती है, इस पर कई बार डस्ट बैठ जाती है और इसकी शाइन चली जाती है। तो इसके लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या करें, पर्स यूज़ करने से पहले उस पर थोड़ा सा वैसलिन अप्लाई कर दीजिए और किसी टिश्यू पेपर या वाइप्स के हेल्प से उसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए। आप देखोगे कि उसकी शाइन पहले से बहुत ही अच्छे से वापस आ जाएगी। आप देख सकते हो ये पहले से कितनी अच्छे से चमकने लग गई है। जैसे इसके अंदर वाले हिस्से पे मैंने वैसलिन नहीं अप्लाई की तो वो अंदर वाला हिस्सा देखो कितना डल लग रहा है और जहाँ पे वैसलिन अप्लाई कर रही है वहाँ का हिस्सा शाइन कर रहा है। तो अब मैं इसके अंदर भी वैसलिन अप्लाई कर दूंगी तो आप देख सकते हो ये पूरा पर्स कितने अच्छे से शाइन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने बिल्कुल नया लिया हुआ है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमें ट्रैवलिंग में जाना होता है या कपड़े पैक करने होते हैं तो हम जैसे शर्ट को प्रेस करके उसके अंदर डालते हैं तो उसकी जो गले का कॉलर वाला हिस्सा होता है वो बिगड़ जाता है और कई बार उस पे जो हमें पैंट पे बेल्ट पहननी पड़ती है वो हम सूटकेस में इधर उधर डाल देते हैं या बैग में इधर उधर डालते हैं तो वो भी टाइम पे नहीं मिलता। तो इसके लिए एक बढ़िया हैक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आप बेल्ट यूज़ करने वाले हो वो बेल्ट ना हमें अच्छे से पैक करके इस शर्ट में डाल के रखनी है। जैसे अगर आप बेल्ट को नॉर्मली
फोल्ड करते हो तो वो निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, बेल्ट का एंड वाला हिस्सा है वो अंदर डाल के इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से आप फोल्ड करोगे तो बेल्ट आप इधर इधर डालोगे तो भी वो निकलेगी नहीं। उसके बाद जैसे ये फोल्ड हो जाए, हमें ये बेल्ट ना जो शर्ट का कॉलर होता है उसमें रखना है। इसकी वजह से हमारी शर्ट की कॉलर भी कितने भी कपड़े आप बैग में रखोगे तो भी नहीं निकलेगी। एक तो एक हमें टाइम पे जो हमारा बेल्ट बैग में इधर उधर हो जाता है, कई बार टाइम पे नहीं मिलता, वो भी मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये भी मेरा हैक पसंद आया हो। मेरा नेक्स्ट हैक चाबियों के बारे में है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे चाबियों में हमें कई बार किचन डालनी होती है या दूसरी वाली चाबी डालनी होती है तो बहुत ही दिक्कत का काम होता है, क्योंकि इसमें जो रिंग लगी होती है उसे खोलने में हमारे नाखूनों की हालत खराब हो जाती है। तो इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक है, के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी चाबी या किचन इस रिंग में डालनी है तो सबसे पहले एक कॉइन उस रिंग में डाल दीजिए और उसके बाद आप कोई भी चाबी या कोई भी किचन इजीली इस रिंग के अंदर डाल दोगे। बिल्कुल एक सेकंड के अंदर आपकी चाबी और किचन इस रिंग में चली जाएगी। और कभी आपको चाबी इसमें से निकालनी है या किचन चेंज करना है तब भी आप सेम ट्रिक का यूज़ कीजिए। आप कॉइन की हेल्प से उस रिंग को ओपन कर लीजिए और इससे भी आपकी चाबी है इजीली निकल भी जाती है और इजीली रिमूव भी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया हैक है दोस्तों। अगर आपको भी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरा लास्ट हैक ब्लाउज़ के बारे में है। सभी लेडीज़ को पता ही होगा कि ब्लाउज़ के जो हुक्स होते हैं वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं, उसमें रस लग जाता है। जैसे ये मेरा ब्लाउज़ नया ही है, लेकिन ये रखे रखे इसके हुक्स में रस लग गया है। देखो इसके हुक्स पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। तो इसके लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। तो आप क्या करें, जब भी आप ब्लाउज़ नया सिलाए या नया ख़रीद के लाए तो आप क्या करें, जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है वो उस हुक्स पे अप्लाई कर दीजिए। इसकी वजह से बिल्कुल भी आपके ब्लाउज़ के हुक्स ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पे मेरा ये नया ब्लाउज है और इसके हुक्स बिल्कुल नए हैं, तो मैंने इस पे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा के इसको कुछ देर बाद सूखने दूंगी, उसके बाद मैं इसे पहनूंगी। इसकी वजह से आप कितने भी सालों तक ब्लाउज को रखोगे तो भी उसके हुक्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, उसमें बिल्कुल भी रस नहीं आएगी। इसके अलावा ये सेम हैक आप ज्वेलरी पे भी अप्लाई कर सकते हो। कई बार हम स्टोन वाली ज्वेलरी खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद उसका स्टोन निकल जाता है, तो अगर आप ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट उस पर भी लगा के रखोगे तो उसके स्टोन बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि एक स्टोन भी गिर जाए तो उसकी शान चली जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लगाया था तो इसका एक स्टोन निकल गया। मैंने अगर पहले ट्रांसपेरेंट नेल पेंट इस पे लगाई होती तो वो बहुत अच्छे से चिपक भी जाता और उसकी शाइन भी कम नहीं होती। इसके अलावा हमारे घर में जो लीड होते हैं उसमें जो स्क्रू लगे हुए होते हैं वो भी कई बार लूज़ हो जाते हैं। कुकर में जो स्क्रू लगे हुए होते हैं हैंडल में वो भी लूज़ हो जाते हैं, उस पर भी हम ये सेम हैक अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्निक की वजह से जो चीज़ें लूज़ हो जाती है वो एकदम से परफेक्ट वहाँ पे बैठ जाती है, टाइट हो जाती है और उसकी शाइन भी नहीं कम होती। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरा हैक पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।